डे 50 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी और टाइम गया है, तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। और शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो पहले हमें स्पॉन किया गया है इस छोटे से नन्हे से आइलैंड पे। ठीक है, मैं बाद में हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि इतना ही बहुत टाइम लगा तो इतना ही दिखा सकता हूँ मैं। तो ठीक है, इस पॉलैंड पे और यहाँ पे हमको गन दे रखी है जिसको हम के टाप से मार सकते हैं इस एस्ट्रॉइड्स पे। और फिर दिखाता हूँ, देखता हूँ मतलब कैसा है एस्ट्रॉइड पे मारने पर कैसा दिखता है हमें। ये मार दिया, ये मारा मैंने पट, अरे नहीं लग रहा है, ये लग गया। ओके, ये देखो देखो हम पास पाव आ चुके हैं, बहुत बहुत मतलब दो ही मिले, ज़्यादा भी नहीं है। देखते और कुछ अच्छा मिल जाए यार प्लीज। और एक टप से एस्ट्रॉइड का मारता, ओ भाई ये क्या भाई, ये कहाँ मिल गया यार इतना जल्दी, मतलब डायमंड नहीं सीधा भाई नेदराइट के पास जाओ। मतलब शायद से गेम इससे इजी होनी चाहिए। वेल, यहाँ पे मुझे ग्रास ब्लॉक मिला है जिसे मैं लगा लेता हूँ। और फिर मैं करता हूँ बहुत सारी फायरिंग, और फायरिंग में मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से सामान, मतलब इतना सामान इकट्ठा हो चुका है मेरे पास, बस फायरिंग से बहुत हो गया मेरे लिए। लेकिन ये भी कमी है क्योंकि हमें आइलैंड पे सर्वाइव करना है। मैं थोड़ा सा डर्ट लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आइलैंड थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, अब देखो मैंने लावा डाल के थोड़ा सा उजाला कर दिया है। अब थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता हूँ। ये देखो मेरी शक्ल, ऐसे शक्ल गंदी है, देखना मत मतलब डर जाओगे। वैसे हाथ में एक गन मिलती है हमें जो कि शायद मेरे से भी बड़ी है गन। तो यहाँ पे मारा मैंने दोबारा से शुरू किया एस्ट्रॉइड का धड़ाधड़ मारने का, एक के पीछे एक मैं बचा ही जा रहा था। और सामान तो भाई बहुत सारा कलेक्ट हो चुका था, मैं जैसे ही फेंक रहा था भाई दोबारा से मेरे पास सामान आ रहा था। और ये देखो आ गया भाई, दोबारा से क्यों आ रहा है, रुको मैं फेंक के दिखाता हूँ दोबारा से। और ये फेंकी जाओ पीछे, ये देखो मतलब जैसे स्पेस में होता है ना सामान उड़ता रहता है, वैसा सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब जिसने भी बनाया है सोच समझ कर बनाया टोटली। ठीक है ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ मरने क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया था, मतलब ज़्यादा नहीं एक बकेट ज़्यादा थे। मैं क्या ही करूँगा उस बकेट का, इसलिए मैंने कहा जान दे अच्छा बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चीज़ नोटिस की, देखो यार मैं कैसे एकदम स्पेस में कैसे होते हैं वैसा स्लोली जा रहा हूँ। मतलब मैंने इफेक्ट नोटिस नहीं किए थे अभी, लेकिन अभी मेरे को नोटिस इफेक्ट्स और ये सारा सामान जो है मैंने कलेक्ट किया था। और मैं दोबारा से शुरू होता हूँ धड़ाधड़ मार के। अब दूसरा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो सामान कलेक्ट करना ही मेरा मेन काम था, तो वो ही मैंने पूरा किया। और यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लैपिस लाजुली के ब्लॉक थे, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा अच्छा बनाते हैं हमारे जगह को, फिर वो अच्छी भी लगेगी। और ये लैपिस लाजुली के ब्लॉक मेरे पास बहुत ही हो चुके थे, तो मैंने कहा लगा ही दूँ यार। तो फिर मैं अभी ब्लॉक लगाने में बिजी हो चुका हूँ, उनको अभी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारा पूरा ये क्या कहते हैं इसे, जो भी है प्लेटफॉर्म कह लो इसे, वो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखा है मेरे पास एक डायमंड भी आ चुका है, पता नहीं कैसे मिला लेकिन एक डायमंड मिला अभी तक। वैसे डायमंड से भी ज़्यादा रेयर चीज़ है हमारे पास, लेकिन पहले तो डायमंड ही लगेगा ना। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया प्लेटफॉर्म बनाने का, डर्ट का प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर ही फिर जानवर वगैरह स्पॉन होंगे। वैसे शायद मुझे जानवर के ये भी मिले हैं, क्या कहते हैं उसे, अंडे, तो उससे भी हम जानवर स्पॉन कर सकते हैं, लेकिन वही है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं गिर क्यों रहा हूँ, मैं मरने नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन हो चुका भाई स्केलेटन, इसको मैं पार्ट से ये बजा। ओके, स्केलेटन को मार दिया हमने मस्त तरीके से सारा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा देता हूँ ताकि दोबारा से कोई मॉब वगैरह स्पॉन ना हो जाए और फिर मेरे को मारने लग जाए। और मेरे को फिर दिख जाता है भाई साहब ये लामा, तो मैं थोड़ी रखने वाला हूँ इन्हें तो उड़ा नहीं देवाना हूँ, मर यार जा।
बस एक शॉट इसे बजने दो, मर जाएगा। और ये वो सीधा नीचे भाई। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कोबलस्टोन मशीन, क्योंकि मुझे कोबलस्टोन बहुत माइन करना है और मैं बहुत सारे कोबलस्टोन इस मशीन से माइन करता हूँ, क्योंकि यार वैसे हम गोली मार मार के कितना ही कलेक्ट कर लेंगे सामान ना। तो मैं बहुत सारे कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कितनी स्पीड से माइन कर रहा हूँ, ऐसे रियल में नहीं है, मैंने वो स्पीड को इंक्रीज किया है। तो देखो कुछ इस तरीके का हमारा वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, इस साइड भी ठीक है। और भी बनाना है, अब मैं बताने वाला हूँ क्योंकि क्यों मैं यहाँ पे हूँ खड़ा, मतलब इस कैद जगह के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके वहाँ पे था विलेजर, लेकिन अभी उसके गन नहीं लग रही है, बाहर निकलना पड़ा इसलिए मुझे। फिर मैंने उनको मारा लेकिन वो मर ही नहीं रहे थे, मुझे ही मार रहे थे साले सारे। फिर मैंने बहुत ट्राई की क्योंकि हमारी गन फ्लेम छोड़ती है तो वो जल्दी मरने के चांसेस, मतलब मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखते हैं आप कैसे मरते हैं विलेजर, उनको मैं मारता हूँ। एक बचा दे, बस एक ही बचा है, एक ही बचा है, एक ही बचा। ओ भाई साहब आप देख सकते हो बस एक ही हार्ट बचा था, अच्छा हो गया मार दिया यार उसे। तो ये देखो कुछ इतना बड़ा मैंने प्लेटफॉर्म किया है ताकि यहाँ पे एक मस्त घर बना सकूँ मैं, ठीक है। तो पहले कुछ इस तरीके का नीचे बेस बना लेता हूँ और फिर बना लेता हूँ कुछ इस तरीके के, क्या कहते हैं उसे पता नहीं लेकिन बना लेता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ इस तरीके का कुछ कैसल, हमारा ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है ठीक है, आधा। देखो मस्त लग रहा है ना एकदम, मैंने थोड़ा और ठीक कर दिया इसे अभी। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कुछ ग्रास ताकि यहाँ पे ग्रास उगे, मैंने भूल ही गया कि मैं ग्रास ब्लॉक भी लगाना है। और दोबारा से मुझे मिल गया ये नाम क्या इसका, ट्रेडर। फिर उसको भी थोड़ा सा पीटा और फिर अभी दिखाता हूँ ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अंदर से दिखाने में भूल गया था इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अंदर से, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है ठीक है। ये देखो भाई ये अचानक कैसे स्पॉन हो गया भाई, मारने लगे, नहीं 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 मार दिया यार। तो मैं दोबारा से मारने चला गया था लेकिन वो चले गए, तो मैंने कहा वीडियो में क्यों भी दिखाऊं इसे। मैंने यहाँ से बहुत सारे ग्लास भी ले लिए, मतलब ग्लास को मतलब सैंड को जलाने के बाद। और यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ बहुत सारी लकड़ियाँ ताकि हम बना सके फैंस, मुझे फैंस लगने वाले हैं कुछ इस तरीके से फार्म बनाने के लिए। कुछ हमारे गोल्स थे जैसे कि एक फार्म बनाना है, एक रहने के लिए घर बनाना है, और मैं गोल्स पता ना भूल गया था उसके लिए सॉरी। और वो है हमारा नेदरराइट आर्मर जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। पहले तो मैंने ये बना लिया, फिर दोबारा से थोड़ी मारपीट की एस्ट्रॉइड्स की, और वो जो ऐसे एस्ट्रोनॉट जैसे एलियन दिख रहे हैं ना वो भी यही, उसमें भी हम मारकर कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे एक घोड़ा मिल गया, मस्त वाइट सा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे ही, मतलब ऐसा स्पेस वाला ज़रा फील दे रही थी, मून जैसा था। तो मैंने इसका नाम भी मून रख दिया है लेकिन उसको नेम टैग वगैरह कुछ दिया नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिछली बार बना लिए थे कुछ दो नेदरराइट इंगट्स, लेकिन अभी सारे कलर क्राफ्ट कर रहा हूँ ठीक है ठीक है। तो मैं पहले बना रहा हूँ डायमंड्स के चीज़ें ताकि मैं बनाऊँ यार नेदरराइट का आर्मर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चड्डी जूते कुछ छाती के पहनने का, और ओके मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया गलती से, ओके मैं स्वॉर्ड भी बना ली, पिकैक्स एक्स और एक शवल तो लगनी है। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ओके ये क्या है अबे जा क्यों नहीं रहा, अबे यार अब भी मुझे समझ आया कि ये 1.20 का जो अपडेट है उसमें हम नहीं बना सकते, मतलब पहले तो बेस्टन में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने भाई डायमंड का ही आर्मर बना लिया, लेकिन चलो कोई नहीं डायमंड का आर्मर ही सही, अगर हमें वो आर्मर नहीं मिल रहा है तो ठीक है अगली बार ज़रूर बना लेंगे वो वाला आर्मर भी नेदरराइट का। अभी फ़िलहाल आप कुछ सिनेमैटिक्स देख लो हमारे
यह वर्ल्ड बनाया गया है उसके।